गोपीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। दक्षिण काली का वशीकरण साधना, इस साधना को मंत्रों का राजा भी बोला जाता है क्योंकि इससे सटीक वशीकरण और किसी मंत्र से नहीं होता है। सात्विक विधि है और दक्षिण काली का मंत्र है। दक्षिण काली के इस मंत्र को बताने से पहले मैं एक विषय आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। दक्षिण काली का मंत्र क्या होता है? क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, रिम रिम, दक्षिणे कालिके, क्रिम क्रिम क्रिम, हुम हुम, रिम रिम, स्वाहा। अभी क्या है, जो तंत्र मार्ग के बिगिनर्स भी होते हैं ना, उनके लिए ये मंत्र, जैसे सात्विक में गायत्री मंत्र लोग याद करके रखते हैं, वैसे ही ये वेद है। इस मंत्र से ही मैक्सिमम लोग अपने तंत्र की जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि लाख जाप कर लिया, पांच जाप कर लिया, सिर्फ दक्षिण काली के मंत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हर मंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ कि मंत्र आप जप लेते हैं लेकिन मंत्र सिद्ध होता नहीं है। ये विषय यहाँ रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आज वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ वो भी दक्षिण काली का है, और मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि एक ही मंत्र हर तरह के कर्म के लिए उपयोग होता है, लेकिन उसमें क्या बदलाव आता है, वो बदलाव आपको रिजल्ट में अंतर देता है। जैसे एक ही मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन हर तरह के प्रयोग में काम आता है। तो ये मंत्र आपके सिद्ध क्यों नहीं होते लाखों जाप के बाद? उसका कारण ये है कि आपको मंत्र का मतलब नहीं पता। अब जैसे दक्षिण काली का मंत्र है, इसमें चार बीज अक्षर आए, ठीक है, तो आपको इन बीज अक्षरों का मतलब ही नहीं पता, आपको सिर्फ दक्षिण काली का समझ में आ रहा है। तो दक्षिण काली का जब चार बीज मंत्र है, मतलब चार तरह का एनर्जी में आपने वाइब्रेशनल चेंज किया, तो उससे आपको क्या मिल रहा है, क्यों आप दक्षिण काली की साधना कर रहे हैं, तो ये आपको पता नहीं होता। तो मैं अभी आपको दक्षिण काली का जो मंत्र है उसका मतलब बताता हूँ। जो पहला क्रिम आता है ना, क्रिम में जो क शब्द होता है क्रिम का, वो मुक्ति का मार्ग खोलता है, ठीक है, और जो र शब्द आता है वो मार्ग खोलता है सर्व ज्ञान का, मतलब सारे ज्ञान आपके पास हो। जो अ शब्द उसमें आता है वो शक्ति के लिए आता है, और जो बिंदु आता है वो ब्रह्म के लिए आता है। मतलब जब आप क्रिम 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 तीन बार बोलते हैं तो आप सृष्टि की रचना, उसका पालनहार करना, और फाइनली उसका जो अंत है उसको आवाहन करते हैं। दूसरा शब्द जो है दक्षिण काली के मंत्र में वो हुम है। हुम का जो ह है उसका मतलब होता है बिल्कुल ही सही ज्ञान प्राप्त करना। जो अ है वो रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को। जो बिंदु है वो परम शिव है, ठीक है। तो ये जब जो तीनों शब्द हैं ये जब मिलते हैं तो वो एक मतलब देते हैं। तीसरा शब्द आता है रिम। रिम अक्षर में ह शब्द फिर सबसे ऊपर ज्ञान देता है, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, जो मैंने पहले भी बताया। रा जो है वो बुद्धिवर्धक है, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी आपको बनाता है। जो अ शब्द है वो पराशक्ति के लिए है, और जो बिंदु है वो परब्रह्म के लिए है, जैसे ही मैंने बताया। तो ह्रीम शब्द जो है वो जो प्रोसेस था, जिस तरीके से ब्रह्मांड की रचना हुई और जैसे ब्रह्मांड चल रहा है, वो रिम शब्द से आता है। दक्षिण काली के माँ भगवती का नाम है, तो जब आप दक्षिण काली के बोलते हैं तो माँ के प्रति आपका समर्पण आता है। और स्वाहा, स्वाहा का मतलब देना नहीं होता है, जैसे हवन में भी आप स्वाहा करते हो, तो स्वाहा ये जो यहाँ पे है, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, मतलब जो आद्या है, जो हर तरह के पाप को हर लेती है, उनको हम बोलते हैं स्वाहा। तो ये हुआ दक्षिण कालिका मंत्र का मतलब। तो आइंदा से जब आप दक्षिण कालिका मंत्र को करेंगे तो आप हर शब्द के समय याद रखिएगा कि आप उस शब्द को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, व्यर्थ में नहीं पढ़िएगा। अब आते हैं हम लोग मंत्रों के राजा पर, मतलब दक्षिण कालिका का
जो वशीकरण मंत्र है उस पर हम आते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जो दक्षिण कालिका का मूल मंत्र है और जो वशीकरण मंत्र है उसमें दो शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, बाकी जो मंत्र है वो लगभग सेम है। तो मंत्र क्या है, मैं अभी आपको 3 बार मंत्र पढ़ के सुनाऊंगा। दक्षिण कालिका वशीकरण मंत्र है हुम हुम क्रिम 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 रिम रिम दक्षिणे कालिके हुम हुम क्रिम 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 रिम रिम स्वाहा। फिर से सुनिए, हुम हुम क्रिम 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 रिम रिम दक्षिणे कालिके हुम हुम क्रिम 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 रिम रिम स्वाहा। एक बार और सुनिए, हुम हुम क्रिम 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 दक्षिणे कालिके हुम हुम क्रिम 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 रिम रिम स्वाहा। इसका क्या करना है, माँ भगवती का जो विनियोग होता है, न्यास होता है, ध्यान होता है, और जो भी पूजा का विधि है, इतना करके, ठीक है, इस दक्षिण कालिका का मंत्र का 1 लाख जाप करना है। 1 लाख जाप जब आपका पूरा हो जाएगा तो इसका दशांश हवन करेंगे। हवन किस किस चीजों से करेंगे, तो हवन उसी चीज से करेंगे जिससे हम लोग हमेशा तिल से करेंगे। उसके बाद आप लौंग मिलाएंगे, आप गुड़ मिलाएंगे। एक चीज इसमें और आपको मिलाना है, वो है गुड़, और लास्ट में मध्य का समर्पण करेंगे। दक्षिण कालिका का जो पूजन विधि है उसमें आप दक्षिण नहीं देखते हैं, माँ भगवती दक्षिण देखती है। आप अपने सामने रिम का त्रिकोणा यंत्र बनाएंगे, अगर माँ भगवती की मुस्कुराती हुई तस्वीर है, माँ भगवती दक्षिण काली की कालिका का दो तस्वीर आता है, एक में माँ भगवती देवी कालिका बहुत रोष में दिखती हैं और दूसरे में वो मुस्कुराती रहती है। जैसे इस वीडियो का जो टाइटल है उसमें माँ भगवती मुस्कुरा रही हैं, तो मुस्कुराता हुआ एक तस्वीर रखें, एक चौकी रखें, उस पर एक लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माँ भगवती को रखें, उस पर फिर माँ का यंत्र बनाएं, उसमें घी का दीपक जलाएं, एक तरफ अगरबत्ती जलाएं या गूगल का अगर धूप दे सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। माँ को दही बाड़ा का भोग दीजिए, 5 तरह की मिठाइयाँ चढ़ाइए, 5 तरह के फल चढ़ाइए, लाल फल उसमें होना चाहिए। ठीक है, इतना करके आप 1 लाख जाप का संकल्प करें कि जिस भी जगह पर रहूं, जिस भी अवस्था में रहूं, मैं माँ 1 लाख जाप पूरा करूंगा। अगर एक ही स्थान पर आप पूरा 1 लाख जाप कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा उत्तम कुछ नहीं होगा। एक बार जब आपका 1 लाख पूरा हुआ तो फिर इसका आप दशांश हवन करेंगे। दशांश हवन के बाद इसमें मार्जन आपको नहीं करना, सिर्फ दशांश हवन कीजिएगा। अगर आप सक्षम हैं तो किसी मंदिर में जा करके आप एक बलि भी दीजिएगा और उसके बाद माँ को मदिरा दशांश हवन के बाद आप चढ़ा दीजिएगा। इतना करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो भी अमुक व्यक्ति है उस पर आप वशीकरण इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। वशीकरण चलाया कैसे जाता है, हर वशीकरण को चलाने का एक ही विधि है। अगर आप लोग वशीकरण करते हैं तो आप लोगों को पता होगा। एक छोटा सा हिंट मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ कि वशीकरण, अगर आप ये 1 लाख का माला अगर आप गिनती से कर रहे हैं, रुद्राक्ष काला हकीक से या फिर स्फटिक के माला से, तो फिर वो जो आपका माला है वो सिद्ध हो जाएगा वशीकरण के लिए, और जिसके भी तस्वीर पे रखेंगे उसका वशीकरण होगा। आज के लिए इतना ही, इस मंत्र का दुरुपयोग मत कीजिएगा, ये आप लोगों की भलाई के लिए मैंने दिया है। आप में से जिसको भी साधना का जनरल विषय समझना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब हैंडबुक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमेजोन फ्लिपकार्ट से पूरी दुनिया में खरीद के पढ़ सकता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrarahasya.xyz डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप, उसमें रुद्रनाथ सर्च करेंगे, इंडिया US और कैनेडा में आप मुझसे डायरेक्ट इससे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।